चलिए गाइस ये चेक कर सकते हैं, भाई लोग पहुंच गए ओमकारेश्वर। हर हर ये देख रहे हो, हम लोग कभी उज्जैन स्टेशन के बाहर दिखते हैं तो कभी इंदौर जंक्शन के। अब आपको कुछ देर के बाद हम लोग भोपाल में भी दिखेंगे तो कभी सीहोर में दिखेंगे। बस ये है कि हम लोग ना एक पर्टिकुलरली एक मैनेजमेंट ना करके हम लोग सीधे तत्काल में आ चुके थे, और जैसे जैसे हम लोग से प्लानिंग बन रहा है वैसा वैसा कर रहे हैं। और अभी हम लोग स्टेशन के बाहर और ATM में पैसा निकालने के लिए रुके हुए हैं, और इतना शॉर्ट में वीडियो डालने वाला हूँ ना, मतलब आपको एक ही वीडियो में अराउंड सारा दर्शन करा दूंगा थोड़ा लंबा करके, क्योंकि ऐसा मूड नहीं बन रहा है कि मैं पूरा अलग अलग आपको इंडिविजुअली बना के दिखाऊं, क्योंकि ना मैं भी थोड़ा सा सुकून के लिए आया था यार, तो वो मैं इसलिए ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर पा रहा हूँ। भाई लोग अभी यहाँ पे रुके हुए हैं, फिर उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे और सीधे फिर यहाँ से निकलेंगे आगे। यार गाइस जब प्लानिंग प्री प्लानिंग के साथ ना हो ना, और जब तत्काल का सीन हो तो सीन ये होता है। अभी मारा मारी चल रहा है भाई, सब अपने अपने फ़ोन में चेक कर रहे हैं कि कितना जल्दी से जल्दी पहले ट्रेन हो जाए। और अभी कहाँ पे है, इंदौर रेलवे स्टेशन के बाहर। भाई बड़ा गजब वाला सीन, अगर नहीं मिला ना भाई तो फिर अपन को फिर या तो कट के जाना पड़ेगा या तो जनरल जिंदाबाद, जो कि वैसे स्लीपर का कंडीशन भी अभी सेम वही है, लेकिन जनरल का मैं बता नहीं सकता भाई, जीता जागता नर्क की तरह होगा लग रहा है। भाई अभी 2 मिनट के लिए इतने हम लोग प्रेशर में आ गए थे ना, इतने प्रेशर में आ गए थे, लेकिन अब जाके कन्फर्म हुआ है, नहीं तो अभी ना भाई जनरल में जाना पड़ता यार, जनरल में, क्योंकि थर्ड एसी तो मिला ही नहीं और ये भी नहीं मिलता ना, तो अभी चले गए होते। बहुत टेंशन भाई, बहुत टेंशन था यार। हम लोगों का जो सफ़र था वो सुबह से चालू हुआ था, और अब जाके 2:30 बज चुके हैं, 3 ऑलमोस्ट बोलूँ तो 3। अब जाके हम लोग देखो ओमकारेश्वर वाले बस स्टैंड में पहुँच गए हैं यार। अभी हम लोग फिर से ऑटो ले लिए हैं और अभी पहुँचने वाले हैं ओमकारेश्वर महादेव मंदिर के पास। सबके सब थोड़ा थोड़ा थके हुए हैं, और बाकी कोई बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन सच में मैं तो स्पेशली थका हुआ हूँ। सबसे बड़ा टेंशन ये है कि 20 किलोमीटर, अभी 120 किलोमीटर आगे आया हूँ, फिर 120 किलोमीटर पीछे जाऊँगा। फाइनली गाइस ये चेक कर सकते हैं, भाई लोग पहुँच गए ओमकारेश्वर, और अभी हम लोग सीधे जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग ने सुबह से नहाया भी नहीं है, क्योंकि हम लोग का नहाना यहाँ के नदी में था, तो अभी हम लोग जाएंगे आगे और नहाएंगे, और उसके बाद जाएंगे यार ओमकारेश्वर महादेव का दर्शन करने। और बाकी सब हमारे दोस्त अभी ये देखो सब आगे आगे जा रहे, मैं पीछे हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग करना रहता है। यार ये मेरे साथ अनफेयर हो गया, जब भी मैं रील में देखा करता था यहाँ इतना पानी हुआ करता था, अभी देख रहा हूँ तो पूरा भाई ऐसा लग रहा सूखा हुआ नदी है। इधर देखो पूरा एक तो सूख गया है, इसमें कैसे रील बनाऊंगा यार मैं आप लोग के लिए। डर तो लग रहा है कि यहाँ का एक बिजनेस सिर्फ नाव ही है, कंटिन्यू पूरी नाव चल रही है, कंटिन्यू दूर दूर तक देखोगे तो, मतलब यहाँ का एक बिजनेस आप नाव लेके चल सकते हो। और अपने ग्रुप अभी आगे जा रही है, फिर वहाँ पे नहाएंगे उसके बाद ही दर्शन करेंगे। ये देखिए हमारे फ्रंट साइड में है ओमकारेश्वर महादेव, और हम लोग यहाँ पे अभी नहा लिए, तो वापस से हम लोग अपना जो ये टीका है ना वो लगवा रहे थे इनसे, तो सबके सब पहले टीका लगाएंगे, और हो सके तो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए नाव में जाऊंगा, भाई लोगों के हो सके तो ब्रिज से जाएंगे, बाकी आप लोगों के लिए मेरे को व्लॉग दिखाना और प्लस व्लॉग में वो अच्छे सूट दिखाना बहुत कंपलसरी होता है आप लोगों को जैसे कि पता है, तो मेरे को जाना पड़ेगा नाव में। तब तक सोमू का ये देखो यार ये वाला टीका वो लगवा रहा है, फिर चलेंगे गाइस। ये भी अपने मंडल भाव को लग रहा है, फिर सब भाई यहाँ आओ और ये नहीं कराओ ना तो फील ही नहीं आता कि ओमकारेश्वर है या महाकालेश्वर है। बाकी वाला होने के बाद भाई का भी हो चुका है, अमन का, सोमू का भी हो गया है, प्रकाश भाई बचा हुआ है, फिर यहाँ से फिर पे करने के बाद सीधे आगे चलेंगे यार, और कराते हैं आपको ओमकारेश्वर महादेव का दर्शन। हर हर। तो गाइस भाई लोग ना वैसे ब्रिज से जाने वाले थे, बट मैंने उनको कन्विंस कर लिया कि नाव से जाएंगे, बिकॉज वहाँ से रेता नाटे टाइम तो कवर करना ही करना है पुल, बाकी चलते हैं यार, और उसके बाद सीधा नाव से चलेंगे, आपको मंदिर का दर्शन कराएंगे गाइस। तो यार हम 5 हो गए, पहले से 9 में 4 बैठे हुए हैं, और ऑलमोस्ट करके अब 10 हो गए, क्योंकि यहाँ 10 लिमिट है बैठाने के लिए, तो अब सीधे नाव से चलेंगे सीधा ओमकारेश्वर महादेव मंदिर जी के पास। आप लोगों ने ब्लॉग का शूट करके नहीं दिखा पाया नाव का, बट एक रील पे जरूर ट्राई करूंगा कि रील पे आप लोगों को दिखा पाओ, क्योंकि ना भाई इतने कम शॉर्ट प्लेस पे मेरे को ये चीज़ें कवर करनी थी, सो यार मैं वो तो नहीं कर पाया, बट यार कितनी
खूबसूरत दिख रहा है यार। और नाव इतना पतला है ना भाई, इतना ब्रबलिंग कर रहा है कि कब पलट जाएगा ना भाई पता भी नहीं चलेगा, देख रहे हो। अभी हम लोग सबके सब यहाँ से नीचे निकलेंगे, फिर मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद सीधे दर्शन करा के वापस एक और मंदिर कवर करना है यार। इसे चेक करें, अब हम लोग नाव से घाट के इस तरफ आ चुके हैं जहाँ पे नाव गाड़ी बहुत सारी जितनी भी नाव आती है ना आपको ब्रिज के अपोजिट साइड से इस वाली एरिया में लेके आएंगे। और यहाँ से यार कितना खूबसूरत लग रहा है एरिया यार। बाकी चलते हैं महादेव को दर्शन कराते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे ही बोर्ड से ऊपर आओगे आपको यहाँ पे दिख सकता है, आप देखना चाहोगे तो आपके यहाँ पे जितना भी प्रसाद मिल जाएगा आप लोग चाहो तो आपको ऊपर ना जाके नीचे से ही ले सकते हैं। और चीप भी है, ट्राई करना, 50 वाली भी है, 100 वाली भी है, बार्गेन करना कभी नहीं भूलना और चीज़ें पूछना कि कम वाली है या नहीं। बाकी यहाँ से सीधा आगे चलेंगे यार अभी, और एक दो और एरिया कवर करना है। हम लोग के पास टाइम इतना लिमिटेड है ना कि हम लोग को आज भी दो तीन एरिया कवर करना है। बाकी यहाँ से चलते हैं आगे यार। गाइस मेरे वजह से ना हमेशा लेट होता है क्योंकि मैं व्लॉग शूट करने के लिए ना हमेशा थोड़ा पीछे रह जाता हूँ और मेरे जितने फ्रेंड हैं मेरे वेट करते रहते हैं, कहीं ना कहीं गाली भी देते हैं, लेकिन क्या करोगे यार। इतना खूबसूरत एरिया है ना, लेकिन हम लोगों के पास टाइम इतना लिमिट है कि मैं आप लोगों को व्लॉग में इतना छोटा छोटा एरिया कवर करके दिखाने वाला हूँ बिकॉज अपने पास टाइम नहीं है यार। तो गाइस अब जाके फाइनली हम लोग का दर्शन हुआ है और इतना ज्यादा क्राउड है ना अंदर में कि तो मुक्की ये देखो। हम लोग अभी बाहर आ गए हैं, यहाँ से बैग लेंगे देन यहाँ से आगे जाएंगे। देख रहे हो यार इतने बड़े नंदी, इतने बड़े महादेव, बाप रे बाप, इतनी सारी मूर्तियाँ यार। इतना सही है ना, जब ऐसे पवित्र जगह में आओ ना तो जो वाइब्स आती है ना वो आप उसको सिर्फ फील कर सकते हो, वीडियो पे आप लोगों को मैं वो चीज़ दिखा नहीं सकता।